नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं फैन से रिलेटेड। तो आज के ज़माने के हिसाब से हम फैन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि पहले जो फैंस यूज़ किए जाते थे वो अधिकतर इंडक्शन मोटर्स के ही फ़ैन आते थे आज से 8-10 साल पहले, और ये भी बहुत लोग यूज करते ही जा रहे थे। यही आज भी लोग इंडक्शन मोटर्स ले रहे हैं, पर अब इसका ज़माना नहीं है, अब ज़माना है BLDC मोटर्स की। और मैं BLDC मोटर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत हैं जो कि BLDC मोटर्स कंप्लीट कर देती हैं, यानी BLDC फैंस उसको फुलफिल करती हैं। सबसे पहला जिसमें है कि लो वॉट हमारा ले, मतलब ज़्यादा वॉटेज ना खाएं, जिससे आप बिजली का बिल बचा सको, आपका बिजली का बिल कम से कम आए, तो जो कि BLDC फैंस के साथ ही पॉसिबल है। दूसरा है वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो हो रही होती है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन में जो पंखे होते हैं इंडक्शन मोटर्स वाले, चाहे वो 50 वाट के हों चाहे उससे ज़्यादा के भी हों, वो क्या होते हैं, धीरे हो जाते हैं और फिर अचानक से तेज़ हो जाते हैं। ऐसा होता होगा आपके घर में, अगर फ़ैन होगा तो आप देखते होंगे। तो ये सीन BLDC मोटर्स के साथ नहीं होती, यानी BLDC फैंस के साथ नहीं होती है। वो कॉन्स्टेंट एक ही स्पीड में चलती रहती है, चाहे वोल्टेज कम हो चाहे ज़्यादा हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ उसके अंदर आती है, तीसरी, वो है हमिंग प्रॉब्लम। तो इंडक्शन मोटर्स हमिंग करेगा क्योंकि ज़बरदस्त मैग्नेट बनाता है, तो उसके अंदर आती है हमिंग नॉइज़ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और ख़ासतौर पर ये तब बढ़ जाती है जब आप इसको इन्वर्टर पर चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा हमिंग आता है। यही चीज़ BLDC मोटर के अंदर नहीं होता है। BLDC जो फैंस होती हैं वो एकदम नॉर्मल, बस आपको मतलब एयर फ्लो का ही साउंड आएगा, बाकी हमिंग वमिंग किसी चीज़ का भी नॉइज़ नहीं आएगा उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं सबसे चीज़ कैपेसिटर लगाने की झंझट जो होती है ना नॉर्मल फैंस में, ये झंझट आपको नहीं आती है BLDC मोटर्स के अंदर। आपको इजीली ऐसे ही बस सर्किट लगी रहती है, सर्किट खराब होता है क्योंकि BLDC जो फैंस होती हैं वो सर्किट्स पे काम करती है, कैपेसिटर उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो इजीली आप ऐसे ही उसको चला सकते हो। और अब आगे उस पर बात कर लेते हैं कि इसके साथ सर्विस का क्या मैटर है। सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर आप कोई भी फैन लेना चाह रहे हो तो आप पहले उसकी सर्विस पता करो, क्योंकि अगर आप वारंटी ले रहे हो, और ख़ासतौर पर कंपनी आजकल 2 साल की वारंटी देती है इंडक्शन मोटर्स के साथ, तो उसकी सर्विस कैसी है, उस फैन की सर्विस हमें आपको मिल पाएगी कि नहीं, आप पहले वो पता करो। और मैं अभी बात करूं, जैसे कि मैं जो फैंस रिकमेंड करूंगा उनकी सर्विस बहुत बेहतर है BLDC फैंस में, और यहां तक कि मतलब बहुत अच्छा सर्विस, अगर वो उनके पास अवेलेबल नहीं है तो पूरा का पूरा नया मोटर ही भेज देते हैं। तो इस तरह की कंपनी है, सोचो इतना बेहतरीन काम कर रही है। तो सबसे पहली जो कंपनी है मैं रिकमेंड करूंगा वो है एटमबर्ग, और एटमबर्ग में मैं आपको जो फैन रिकमेंड करूंगा वो है इफिसियो। तो एटमबर्ग, इफिसियो और इफिसियो प्लस करके 2 फैंस हैं, इसको बहुत ही बेहतर मान लो आप, मतलब डिसेंट यहीं से शुरुआत करें। इससे भी कम प्राइस के भी एक आती है, पर मैं उसको नहीं समझता कि आपको लेना चाहिए, पर यहाँ से आपको शुरुआत करना चाहिए। इससे ऊपर अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो ले सकते हो। माना कि ये फ़ैन बहुत महंगी है, ये फ़ैनें महंगी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार लगा लोगे तो आप भूल जाओगे इंडक्शन मोटर वाला फ़ैन, अगर आप किसी ने कोई भी लगाया होगा, अगर इन फैंस को लगा लोगे। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर जो वाट कंजप्शन है वो सिर्फ 28 वाट है, सिर्फ 28 वाट है मात्र। सोचो 28 वाट में आपका फ़ैन चल रहा है, उतने में आप एक LED बल्ब जो चलाते हो उससे कम वाट में आप फ़ैन चला पा रहे हो। तो ये चीज़ें इसके अंदर, आप इसको इन्वर्टर से यूज कर सकते हो, तो डबल आप अगर 50 वाट का इंडक्शन मोटर वाला जो फ़ैन है उसको लगा रखे होंगे, आप BLDC फैन का 2 पंखा लगा सकते हो उसके अंदर। सोचो इतना कम बैटरी खाएगा क्योंकि 28 वाट है, और इन्वर्टर पे जो हमिंग प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस फैन के अंदर। और इसमें बात करें कैपेसिटर लगाने की, तो कैपेसिटर लगानी ही नहीं पड़ती है। और इसकी सर्विस जो मैं बात कर रहा था, एटमबर्ग की सर्विस ऐसी है, जैसे कि हमारे यहाँ भी एटमबर्ग की सर्विस नहीं है, तो ऐसे में एटमबर्ग सर्विस क्या करता है, सपोज़ कुछ भी ख़राब अगर होता है, फ़ैन नहीं काम करता है, तो जैसे हम सर्विस वो करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तुरंत फ़ोन आता है, वो सब पूछते हैं सर्विस अवेलेबल है तो वो भेज देंगे किसी को 72 घंटे के अंदर। अगर नहीं हुआ तो आपको 4-5 दिन लेंगे, उतने में ये आपको एक पूरा का पूरा जो मोटर होता है आपका, कलर वलर सब पूछ लेते हैं मोटर का, कौन सा मोटर है, मतलब फ़ैन है, सब पूछ लेंगे, फिर वो आपको जो उसका गोल वाला हिस्सा होता है ना, वो मोटर वो भेज देते हैं आपको, पूरा का पूरा नया भेज देंगे, एंड जो आपका ख़राब हो गया उसको तभी वापस भी ले लेते हैं। तो ये सर्विस होनी चाहिए किसी भी कंपनी के लिए, जो कि बहुत बेहतरीन मानता हूँ मैं एटमबर्ग के अंदर। अब बात करना चाहता हूँ मैं दूसरी कंपनी की, दूसरी कंपनी कौन से है जो BLDC में मैं कहना चाहूँगा, वो है क्रॉपटन।
क्रॉपटन की बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन रही है पहले से भी। बहुत कारीगर वगैरह जो भी हैं उनसे अगर आप पूछोगे कि क्रॉपटन के बारे में क्या ख्याल है तो वो यही बताएंगे क्रॉपटन की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्रॉपटन का फैन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। और रहे इसके अंदर की जो बैंडिंग वगैरह है वो सेम ही है एटमबर्ग की ही तरह है, तो मुझे कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है क्रॉपटन के लिए। बस क्रॉपटन का जो वॉट वाला मीटर है, जो वॉट जो खाता है वो बस थोड़ा सा ज़्यादा है। एटमबर्ग 28 वॉट खाती है, वहीं क्रॉपटन 35 वॉट खाता है, तो बस इतना ही अंतर है। आप क्रॉपटन का भी फ़ैन ले सकते हो। वारंटी की बात करें तो दोनों का तीन साल है, दो साल मिलता है, फिर आप उसको रजिस्टर करोगे प्रोडक्ट को उनके वेबसाइट पे तो एक साल फ्री मिलती है, और सबके साथ रिमोट भी फ्री मिलती है, तो रिमोट कंट्रोल्ड है। मैं जानता हूँ आप कहोगे कि यार इतना महंगा फ़ैन क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, देखिए ये फ्यूचर है। आप प्लीज़ इंडक्शन मोटर्स वाले जो फ़ैन आ रहे हैं मत लगाइए, आप BLDC फैंस के साथ चले जाइए। खास तौर पे आप सोच रहे होंगे एटमबर्ग जैसी, बहुत लोग जैसे गांव वगैरह से या कहीं अगर UP साइड के अगर होंगे, बिहार वार या झारखंड, ये लोग समझते होंगे क्योंकि इधर के लोग मैं जानता हूँ बेहतर तरीके से क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। एटमबर्ग का नाम नहीं सुना है कभी भी, जरूरी नहीं है कि फेमस कंपनियाँ ही बहुत कुछ करें, ये भी कंपनियाँ अब फेमस हो चुकी हैं। एटमबर्ग खास तौर पर बहुत लोगों को नया कंपनी लगता है, तो भाई ये जो कंपनी है ये सिर्फ BLDC पे ही काम करा है एटमबर्ग ने, तो इनके पास BLDC की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। BLDC ही बस प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कुछ और अलग से चीज़ें नहीं बनाती हैं। तो ये रहा, एंड मैं इन क्रॉपटन का जो फ़ैन मुझे रिकमेंड करना था, तो क्रॉपटन का एक ही फ़ैन आता ही है, वो बस एक ही पर संतुष्ट है तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्रॉपटन का वो फ़ैन का भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ले सकते हो। एटमबर्ग के भी मैंने जो फ़ैन बताया उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ले सकते हो। आप जो इफिसियो बताया एटमबर्ग में आप उससे ऊपर भी जा सकते हो अगर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ अच्छा लुक चाहते हो, पर आपको ईजिली BLDC पे स्विच हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी वही ज़माना है। एंड मैं बता रहा हूँ, आप एक बार जब BLDC लगाओगे तो आप अपने घर का हर फ़ैन बदल दोगे, इतना जान जाओ, इतना अच्छा चलता है BLDC फैंस। आपको धीरे धीरे जब यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसके एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि हाँ कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा था। पर महंगे हैं थोड़े, मैं मानता हूँ, पर भाई वर्थ इट है, मतलब आपका पैसा वसूल कर देगा वो, ऐसा है। और ख़राब होने की जो झंझट आ जाती है थोड़ी बहुत, तो वो भाई कंपनी वाले देख लेते हैं, उनकी सर्विस बहुत बेहतरीन है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।